हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट और लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग का M11 ये मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये इसको हम करने वाले हैं, इसकी FRP अनलॉक करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं इसमें चेक करा दूँ कि FRP लगा या नहीं लगा। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा। आप जो वीडियो आप देख रहे हैं फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको अनलॉकिंग करना है, बहुत ही सेफ तरीका सा, और केवल वन क्लिक में ये हमारा अनलॉक हो जाएगा। तो चेकिंग फॉर इन्फो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, मैं आपको जो बता दूँ, आज मैं इसका जो कंटेंट है, मैं UMT के थ्रू आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है, मतलब इसमें FRP लगा हुआ है। गूगल अकाउंट हम साइन इन कर देंगे तो चालू हो जाएगा। तो सैमसंग का ये M11 मॉडल है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी चेक करके भी दिखा दूंगा, और इसका मैं टेस्ट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें CPU लगा है कॉलकम का। आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, यहाँ पे जो चार आपको टिप्स दिखाई दे रहे हैं, ये चार टिप्स दिखाई दे रहे हैं। इसके दो जो ऊपर के टिप्स हैं फ्रेंड, ये जो दो ऊपर के टिप्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने दो हटा दिए, जैसे दो कवर कर दिया। ये इसके ADL के टेस्ट पॉइंट है फ्रेंड, कॉलकम के ADL का ये टेस्ट पॉइंट है। बहुत इजी तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ। तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा और UMT से फ्रेंड वन क्लिक में आपकी FRP रिमूव हो जाएगी। नो, कोई भी क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका बहुत ही कम समय में आप इसकी अनलॉकिंग कर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे इंट्रो इसको दिखा दिया है फ्रेंड। तो करना क्या है फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। इसको हम UMT टूल को हम ओपन कर लेते हैं। हम UMT का QC फायर ओपन करने वाले हैं। ये देख सकते हैं, मैं UMT का QC फायर कर रहा हूँ। वन क्लिक में इसके FRP रिमूव हो जाएगी। कोई भी मैगमा या फिर कोई भी चीज़ से आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ। ये फोन है, आप यहाँ पे कंप्लीटली देख सकते हो, और ये देखेंगे लास्ट में कि ये हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। तो फाइनली अभी जैसे ही हमारा ओपन हो जाएगा QC फायर, देख सकते हैं हमारा QC फायर ओपन हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, और साइड में आपको डिवाइस मैनेजर भी दिखाई देगा। मैं डिवाइस मैनेजर भी खोल लेता हूँ कि आपको यहाँ पे कॉलकम पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो फ्रेंड, वीडियो को आप लास्ट दिन तक जरूर देखें, क्योंकि आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं फेक वीडियो तो नहीं है। फिर हमें रीड एंड टूल में आना है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो। रीड एंड टूल में आने के बाद आपको यहाँ पे सैमसंग अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है। सैमसंग में यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। मेरा देख सकते हैं यहाँ पे M11 है, हमने ये और सेलेक्ट कर लिया है। अब फोन को हमें कनेक्ट करना है फ्रेंड। तो आपको ADL हमने टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिखाई दी है। ADL टेस्ट पॉइंट, ये दो पॉइंटों को आपको टच करना है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था ADL टेस्ट पॉइंट को। तो मैं यहाँ पे इसको टच कर देता हूँ फ्रेंड, और USB केबल लगा देता हूँ, फिर आगे का हम प्रोसीजर यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे इसको टेस्ट पॉइंट से टच किया और USB केबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड, अभी हमारा तो नहीं हुआ है, एक बार और ट्राई कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको टच करता हूँ, और टच करने के बाद USB केबल इन करते हैं फ्रेंड। तो अभी आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखिए कॉलकॉम का पोर्ट हमारा बना लिया है। ये फोन मैं हाथ में उठा लेता हूँ, देखिए मैंने टाटा केबल से लगा दिया है फ्रेंड। अब हमें सिंपल और सिंपल क्या करना है, यहाँ पे FRP रिसेट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, और बहुत ही इजी तरीके से हमारे FRP रिमूव हो जाएगी। ये देख सकते हैं डाटा केबल से, आप हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं ड्राइवर हमारा कनेक्ट हो चुका है। साइड में आपको यहाँ पे ड्राइवर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये हमारा ये फोन है, हाथ में ही फोन है हमारा, और ये देख सकते हो लोडर सेंडिंग हो चुका है, और कोई भी अभी तक एरर नहीं आया हुआ है। मैं लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने कर रहा हूँ, कोई भी फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। और ये सारा अपडेट है सैमसंग का भी, CPU वाइज भी हो रहा है। आप यहाँ पे लाइव में देख रहे हो, सैमसंग का M11 फोन है, आपको यहाँ पे अभी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई भी दे जाएंगे फ्रेंड। और ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हो गया सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, FRP डन हो चुकी है। फाइनली हमारे देख सकते हैं FRP डन हो चुकी है फ्रेंड, और ये देख सकते हैं अब इसको हमने निकाल देना है। निकाल के अपने मैं आपको मोबाइल के थ्रू, या फिर मैं यहीं से आपको दिखा दे रहा हूँ, चार्जिंग का आइकन यहाँ पे बना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं FRP हमारी डन हो चुकी है बहुत ही इजीली तरीके से। ये देख सकते हैं हमारी FRP डन हो चुकी है। तो हम इसमें लगा लेते हैं बैटरी, लगा लेते हैं, उसके बाद हम इस फोन को करते हैं ओपन। ये वही फोन है जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ था फ्रेंड। अब इसको हम एक बार ये निकाल लेते हैं, और एक बार फिर से हम इसकी बैटरी को निकाल करके वापस करेंगे, और देखते हैं कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड।
तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है फ्रेंड। और जो भी आपको अपडेटेड होगा मैं आपको अपडेट हमेशा करूंगा। ये फोन अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, अब मैं आपके सामने अभी लाइव करके दिखाऊंगा कि हमारा एक्चुअल में हटा कि नहीं हटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेक्ट हो गया था फोन एकदम परफेक्ट तरीके से, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया था। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालकॉम पोर्ट, और यहाँ पे M11 हमने यहाँ पे लिया था मॉडल, और ये M11 का ही है फ्रेंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको बैनरी की दिखाई दे रही है, यूट्यूब एंड्री दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे और आप यहाँ पे देख सकते हो FRP डन हमारा हो चुका है, एंड्रॉयड वर्जन 11 है फ्रेंड। आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 11 है, जो कि बहुत इजी तरीके से हमारा यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो अभी इस पे आपको फाइनली लास्ट तक हम करके दिखाएंगे कि ये हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है, देख सकते हैं हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे फाइनली ऑन करके दिखा देता हूँ कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट करेंगे, ये नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप गेटिंग फॉर योर फोन रेडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फाइनली वीडियो पर लाइक और कमेंट करें जरूर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता चलेगा। जस्ट अ सेकेंड, आपको यहाँ पे थोड़ा मैं क्रॉस इसलिए दिखा रहा हूँ, कैसे करूंगा तो शायद आपको दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ और क्रॉस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अभी अभी दिखाई दे रहा है चेकिंग इन्फो। मैं बार बार ये कहता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे स्किप का बटन आ चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का बटन आ चुका है। तो फाइनली हम इसे कर देते हैं स्किप, और यहाँ पे भी कर देते हैं स्किप। ये देख सकते हैं इसी मतलब हमारा ये जॉब डन हो चुका है फ्रेंड। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्किप स्किप एनीवेज। आप यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न, ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अभी आप गेटिंग फॉर योर रेडी यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, गेटिंग फॉर योर रेडी फोन, मतलब ये हमारा जॉब डन हो चुका है। वन क्लिक में M11 की FRP यहाँ पे चुटकी में जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फाइनली ये देख सकते हैं आप, इसको हमें कर देना है नेक्स्ट, नेक्स्ट कर देना है। मैं आपके सामने सब लाइव ही कर रहा हूँ, यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी स्किप कर देंगे जो भी मांग रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यू आर रेडी, फिनिश हो चुका है, और अभी हमारा ये जॉब डन हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसा लगा है फ्रेंड। ये स्वाइप अप किया, ओके किया, और यहाँ पे डन डन, और यहाँ पे आती है ये, जितना हमें टाइम नहीं लगा खोलने में उतना हमें फिनिशिंग लग रहा है कि कब जल्दी हो जाए। यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे हम कर देंगे स्किप, और यहाँ पे भी कर देंगे स्किप, और यहाँ पे देखिए अभी हमारा जॉब डन हो जाएगा फ्रेंड। तो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा, और ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। पर ये काम 100% जेनुअन कर रहा है, मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अनलॉक हो चुका है, ये वही फ़ोन है, और ये देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से अनलॉक हो गया है फ्रेंड। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।